जी अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू और आने वाले पंद्रह मिनट आप मुझे दे दीजिए आने वाले पंद्रह मिनट आप हमारा एक पेड लेक्चर जो था ऐसे राइटिंग का उसकी जरा सी झलक आप देखने वाले हैं झलक एंजॉय कीजिए और देखिए कि वहां पे कैसे मैंने कोटेशन को इंटरप्रेट करा है और किस आधार पे मैंने एग्जाम्पल्स की मदद ली है अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्टिव बनाने के लिए देखते रहिए वनरेबिलिटी इज द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिएटिविटी इनोवेशन एंड चेंज सो so, यानी कि इस कोटेशन से हम ये समझ सकते हैं दैट बिकॉज ऑफ वलरबिलिटी बिकॉज ऑफ वलरबिलिटी इन अ गिवन सिटुएशन इन अ गिवन सिचुएशन यू विल चेंज और वुड हैव टू मेक चेंजेस बाय बींग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव ठीक है अब इसकी इंटरप्रिटेशन पे आते हैं वॉट इज वालबिलिटी वी ऑल आर वालबल आप मैं हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ह्यूमन रेस इज वैलरेबल वालरबिलिटी रेफर्स टू द विलिंगनेस टू एक्सपोज योर सेल्फ टू रिस्क टू फेलियर टू एनी काइंड ऑफ इमोशनल एक्सपोजर एंड दिस वालरेबिलिटी इनवॉल्व्स इम दैट देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इट इज नॉट ऑलवेज आप करने वाले हैं वो वैसा ही होगा यू कुड एंड अप फेसिंग रिजेक्शन क्रिटिसिजम और फेलियर एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ वैल्युबिलिटी मीन्स दैट यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू विल एंड challenges फेसिंग on. But remember vulnerability. और मैं इसको आपको example के तौर पर detail में समझाऊंगा इस ऐसे में Vulnerability एक्ट लाइक ए कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन इनोवेशन रिक्वायर करता है ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड एंड थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स ये प्रोसेस इनहेरेंटली बहुत ज्यादा रिस्क और अनसर्टेटी इन्वॉल्व करता है बिकॉज नए आइडियाज इज इट्स नॉट नेसेसरी कि नए आइडियाज हमेशा आपके सक्सीड करेंगे जब आप वैल्यूबिलिटी को एम्ब्रेस कर रहे हो गले लगा रहे हो दैट मीन दैट यूर ओपन टू दीज रिस्क टू एक्सेप्टिंग दैट वन ऑफ द पॉसिबिलिटी For you might be failure, but nevertheless, even if we end up failing, we will utilize that as a learning opportunity. Many innovations, बहुत सारी innovations होती हैं, जब आप हिम्मत दिखाते हो, courage दिखाते हो, experiment करने के लिए, और जब आप दृढ़ निश्चय के साथ, resilience के साथ इन setbacks को overcome करते हो, vulnerability fuel करती है creativity को। कैसे? क्रिएटिविटी थ्राइव करती है एक ऐसे वातावरण में एक ऐसे माहौल में जहां पे इंडिविजुअल्स दे फील सेफ के वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो वो हैं बिना किसी डर ऑफ जजमेंट के वालेबिलिटी अलाउस पीपल टू शेयर देर यूनिक प्रस्पेक्टिव एंड आइडियाज इवन इफ दे आर अनकेंशनल और इवन इफ दो आइडियाज आर नॉट इन कॉन्फर्मिटी विद द सोसाइटल नॉर्म्स सो ये जो ओपननेस है ये ओपननेस दिस कैन लीड टू डिस्कवरी ऑफ नॉवल कंसेप्ट एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन विच विल नॉट इमर्ज इन रिस्क अवर्स सेटिंग ना अब इंट्रोडक्शन में मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं जो कि कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूं यूजिंग सम एग्जाम्पल्स जो कि इस कोर्ट को थोड़ा सपोर्टिव करते हैं यानी कि जो कि इस कोटेशन के इंटरप्रिटेशन को थोड़ा और सपोर्टिव बनाते हैं लीडर्स, बिजनेस और लीडरशिप की बात करें ऑनटरप्रिनशिप की बात करें तो यानी कि लीडर्स चाहे वो बिजनेस लीडर्स हो चाहे वो हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें लीडर्स जो वैल्यूबिलिटी को एम्ब्रेस करते हैं वो एक ऐसा कल्चर फॉस्टर करेंगे ऐसा कल्चर बना सकेंगे जहां पे लोग बिना किसी खौफ के बिना किसी डर के इनोवेशन लेके आ सकते हैं बाय बीइंग ओपन अबाउट चैलेंजेस एंड अनसर्टनिटीज वो अपनी टीम्स को लीडर्स अपनी टीम्स को इंकरेज करते हैं कि आप रिस्क लीजिए और अगर कोई आउटकम आपके फेवर में नहीं भी आता तो ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस को एक्सप्लोर कीजिए गूगल एप्पल ये कंपनी थ्राइव करती हैं इस वालेबिलिटी वाली इको में उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा इको बनाया है जहां पे इंप्लॉयज को फेल्स जहां पे इंप्लॉयज को सेफ फील होता है कि जहां पे वो एक्सपेरिमेंट भी कर सके और अगर एक्सपेरिमेंट करने में नहीं भी कामयाब हो तो कोई बात नहीं सो so देर जब तक आप एक्सपेरिमेंट करके फेल नहीं होगे तब तक आप कैसे सीखोगे तब तक आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे लेके आ पाओगे हम आर्ट और लिटरेचर की बात कर लें काफी सारे आर्टिस्ट हैं काफी सारे राइटर्स हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पे पावरफुल काम क्रिएट करते हैं गाने मूवीज नॉवल्स स्टोरीज और जो थीम होता है इन आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स का दैट रेजोनेट्स विद ऑडियंस व्हाई बिकॉज ये जो आर्टिस्ट्स होते हैं जो राइटर्स होते हैं ये ऑडियंस की इमोशंस को कैप्चर करते हैं अपने काम के जरिए नाउ अगर हम जेके रॉलिन की बात करें उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स को उनको कितनी तरफ से रिजेक्शन मिला उनकी बुक उनकी जो फिक्शन बुक थी हारी बॉटर सीरीज कोई पब्लिश करने को तैयार ही नहीं था अरे ये कौन पढ़ेगा इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लेकिन आज देखो पचास करोड़ कॉपीज कॉपी करोड़ counting, इतनी कॉपीज जेके कॉपीजे की सेल हो चुकी है लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वालिटी फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स डिस्कस कर रहा हूं तो पैराग्राफ की हेडिंग यहां पे क्या है टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वैलबिलिटी फॉर इंडिविजुअल पहले वाले पैराग्राफ की हेडिंग uh, क्या थी एग्जाम्पल इंड इंट्रोडक्शन जो कि सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट बनते हैं इंडिविजुअल okay, की बात करते हैं वैल्यूबिलिटी रिक्वायर्स इंडिविजुअल्स के वो अपने ट्रूथ सेल्फ को कन्फ्रंट करें जो वो है उनके डर उनके स्ट्रेंथ उनके वीकनेस सब कुछ और यह सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन दैट डिमांड ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑथेंटिसिटी जो कि बहुत जरूरी है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए जब तक आप आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को ही मैन समझते रहेंगे कि नहीं मैं तो मर्द हूं या मैं तो ये हूं मैं तो अल्फा हूं मैं तो वॉलरेबल हो ही नहीं सकता नहीं हम सब वॉलरेबल हैं और अगर आपको लगता है कि आप वॉलरेबल नहीं हो कि आपने अपने आप को अभी डीपली इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया वालबिलिटी वॉलबिलिटी इज अबाउट शोइंग अप एंड बींग सीन डिस्पाइट अनसर्टनिटी एंड डिस्पाइट इमोशनल एक्सपोजर यू डोंट नो कि यूपीएससी अटेम्प्ट आपका क्लियर होगा कि नहीं होगा लेकिन फिर भी आप बैठ रहे हैं पेपर दे रहे हैं प्रीलिम्स क्लियर हुआ है मेंस मेंस दे दे रहे रहे हैं रहे हैं नहीं क्लियर हुआ फिर से प्रीलिम्स यू डोंट नो आउटकम कि आपके फेवर में होगा कि नहीं होगा लेकिन अगर आपने लेट से दो या तीन अगर तीन साल आपने अपने आप को दिए हैं इस प्रोसेस में तो एवरी ईयर आप बैठ रहे हैं बींग वेलोरेबल आप इस बात को इंबरेस करके बैठ रहे हैं इंडिविजुअल ग्रोथ Now, जब आप वॉलबिलिटी को इंप्रेस करते हैं और हेड ऑन कंफ्रंट करते हैं तो आपका कैरेक्टर बनता है आपका इमोशनल रिजिलियंस बढ़ता है और जब आप सेटबैक्स फेस करते हैं अनसर्टनिटीज फेस करते हैं तो आप सीखते हैं और समझते हैं कि कैसे उन सिचुएशन में हमने रिस्पॉन्ड करना है रिएक्ट नहीं बट रिस्पॉन्ड करना है एक स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में और वहां पे यह पाया गया कि इंडिविजुअल्स जो कि इम्ब्रेस करते हैं वेलरबिलिटी को वो अपनी इमोशंस को ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं और वो लोग अपने स्ट्रेस को भी बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं एंड देयरफोर दे हैव लोअर लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू इंप्रेस वेलरेबिलिटी आपको क्या लगता है कि हर एक चीज आपके हिसाब से ही होती आएगी क्यों हम कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी को यू नो कैप्टन कूल एज एसकूल अजिफिकम्बर नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं उनको क्यों कहते हैं बिकॉज वो हर एक मैच खेलने जाते हैं भैया उनको ये नहीं लगता कि वो माही है हर एक मैच में वो छक्के मारेंगे हर एक मैच में उनको uh, युवराज सिंह जिताएगा या विराट कोहली जिताएगा नहीं इंडिया हारेगी वो भी होता है वो ये सोच के देखो हर कोई कैप्टन ये सोच के जाता है कि मैच जीतना है लेकिन एक आउटकम ये भी है कि मैच हार भी सकते हो आप ये सोच के तो मैच खेलने नहीं जाओगे ना कि नहीं मैं तो हार ही नहीं सकता हूं आप जीतना चाहते हो ट इज वन थिंग बट आप हार सकते हो दैट इज अनादर थिंग तो जितना आप इन चीजों को इंप्रेस करोगे मैंने तो चलो महेंद्र सिंह धोनी की बात करिए क्रिकेट के एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स में लेकिन आप अपनी इंडिविजुअल अगर लाइफ में भी हम देखें कुछ भी हो आपका जॉब आपकी एजुकेशन आपका रिलेशन एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आज आपको लगता है कि आप बहुत हंस खेल रहे हैं हेल्थी हैं यू नेवर नो क्या टर्न होगा किसी को पता था कि कोविड आने वाला है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 25-26 साल थी जिसकी डेथ होगी कोविड में उसको पता था कि कोविड के कारण उसकी डेथ होगी नहीं पता था सो देर फोर जितना आप अनसर्टनिटी और वेलबिलिटी को एम्ब्रेस करके रखोगे उतना ही जो आपका मैकेनिज्म है स्ट्रेस को हैंडल करने का वो बेटर होगा इस बात को अपनी यूपीएससी जर्नी से भी जरा रेजोनेट करके देखो वेलरेबिलिटी बहुत क्रूशल है अगर आपने डीप और मीनिंगफुल रिलेशन डेवलप करने हैं अगर आप ओपन हैं, ऑनेस्ट हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे तो दूसरा व्यक्ति आपके साथ एक जेन्युन लॉन्ग टर्म कनेक्शन बना सकता है नेल्सन मंडेला ने कहा आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट फेयर बट द ट्रायम्फ ओवर इट कितना सिंपल सा कोटेशन है कितनी बार आपने कोटेशन सुना होगा सो देर फॉर इम्ब्रेसिंग वेलबिलिटी इज अ टेस्टिमेंट टू दिस प्रिंसिपल Which fosters the courage, nurtures, gives you the courage, ताकि आप challenges को overcome करके grow कर सकते हैं। Now let's give some examples from the field of technology जो कि demonstrate करते हैं significance of vulnerability। आइए इसको समझते हैं। तो पहला example मैं लूँगा Tim Berners-Lee का। ये कौन है जिन्होंने World Wide Web 1989 में World Wide Web इन्होंने बनाया था। अब इनका जो प्रपोजल था कि कैसे ग्लोबल हाइपरटेक सिस्टम बनाना है इस बात को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था इनके पियर्स के इनके जो पियर्स थे इनके जो कॉलिग्स थे या जो बाकी लोग थे टेक कम्युनिटी में उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था इनको इनके आइडिया में सिग्निफिकेंट चेंजेस रिक्वायर्ड थे टू देन एग्जिस्टिंग इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके आइडियाज के हिसाब से एक एंटायरली न्यू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत थी Despite the criticism, despite the uncertainties, he went ahead. And what did he do? That led to the creation of World Wide Web. WWW. इन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया इंटरनेट को एक्सेसिबल बनाने के लिए कितना रोल कितना बड़ा रोल प्ले किया द एंड ऑफ ट्वेंटी एथ सेंचुरी था नाइनटीन एटी नाइन के ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जो आज हम मॉडर्न इंटरनेट एंजॉय कर रहे हैं आज हम कित आज हमारे फोन पे इंटरनेट आ चुका है ऐप्स आ चुके हैं तो जो ग्लोबल वे ऑफ कम्युनिकेशन है जो ग्लोबल वे ऑफ डूइंग ट्रेड है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ बिकॉज ऑफ टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब स्टीव जॉब्स स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन इंट्रोड्यूस किया था दो हजार सात में तो वो भी एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर था फ्रॉम दी देन एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन कंबाइनिंग अ फोन एंड आई पॉड एंड इंटरनेट कम्युनिकेटर इन टू वन डिवाइस दैट वॉज अ वेरी बोल्ड डिसीजन स्टीव जॉब्स और उसकी टीम ने आज एप्पल इम्ब्रेस द वैलबिलिटी वैल्युबिलिटी यहां पर क्या थी वैल्युबिलिटी ये नहीं थी कि तब मोबाइल फोन्स नहीं थे मोबाइल फोन्स थे लेकिन एप्पल फोन बनाने से आई फोन बनाने से पहले उन्होंने इस बात को भी इम्ब्रेस किया कि भैया ये फोन मार्केट में पिट भी सकता है चल भी सकता है इस बात को मद्देनजर रखते उन्होंने मार्केट में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया कि ये प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है और बहुत पॉपुलर भी हो सकता है लेकिन दे टूक रिस्क एंड वेंट अहेड विद इनोवेटिव डिजाइन लुक एट एंडे हाउ पॉपुलर आईफोन इज सो आईफोन ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को रेवल्यूशनाइज कर दिया एक नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शनबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन इट टोटली चेंज द वे ऑफ हाउ पीपल इंटरक्ट विद ईच अदर इलॉन मस्क एंड स्पेस एक्स एलॉन मस्क ने बहुत क्रिटिसिज्म और स्केप्टिसम फेस किया बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क था जब उन्होंने स्पेस एक्स को फाउंड किया गोल क्या था स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना उनका एम क्या था उनका एम यह था कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए मून में जा सकें दूसरे प्लान में जा सकें थॉट था देखिए एवरीथिंग बिगिनस विद ये थॉट उनके माइंड में था कि जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं आप गाड़ी में जाते हैं आप एक एक कंट्री कंट्री से से दूसरे या एक शहर से दूसरा शहर दूसरा बाय एयर जाते हैं उसी तरह से अगर हमने एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाना हुआ हो या हमने अगर विद इन द यूनिवर्स ट्रेवल करना हो तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता है काफी सेटबैक इलॉन मास को भी फेस करने पड़े बट ही वॉज वेरी कमिटेड टू द फैक्ट इनोवेशन के जरिए ही मैं डेवलपमेंट लेके आ पाऊंगा और जो रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है जो रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी है इस पे एलॉन मस्क ने पूरा अपना स्पेस एक्स ने रेवल्यूशनाइज किया है स्पेस इंडस्ट्री को अपने सक्सेसफुल लॉन्चेस के जरिए और लैंडिंग्स के जरिए ऑफ द रीयूजेबल रॉकेट व्हीकल्स और कॉस्ट कट भी काफी हुआ है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में एंड दिस हैज पेव द वे फॉर फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन और परहैप्स आगे जाके हम दूसरे प्लान को शायद कॉलोनाइज कर पाए बिकॉज अर्थ में तो वैसे ही जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जैसे वातावरण तब्दील हो रहा है यहां पे रहना क्या पता आने वाले पचास सालों में मुश्किल हो जाए वो आपने मूवी इंटरेस्ट तो देखी ही होगी एयरबीएनबी जो फाउंडर्स थे एयरबीएनबी के उन्होंने भी काफी सिग्निफिकेंट अनसर्टनिटी फेस करी काफी वॉलबिलिटी फेस करी जब उन्होंने अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कि भाई अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने कोई टूरिस्ट आया है किसी पर्टिकुलर जगह पे स्टे करने के लिए तो किसी के घर पे वो स्टे कर सके ये आइडिया कि स्ट्रेंजर्स किसी किसी के कि घर पे किसी लोगों के घर में स्ट्रेंजर्स होटल में रह सकते हैं आप किसी गेस्ट हाउस में रह सकते हैं लेकिन किसी के घर में रहना कितना अनकन्वेंशनल आइडिया था बिकॉज सेफ्टी इशूज भी आ जाते हैं लीगल इशूज भी आ जाते हैं लेकिन इन चैलेंजेस को एड्रेस करके एंड फोकसिंग ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सेफ्टी फीचर्स एयरबीएनबी ने ट्रांसफॉर्म किया लोग किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं और कैसे उनको अकोमोडेशन मिल रही हैं। आज एयर एक बहुत बड़ा ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी जॉइंट बन चुका है और एयर की प्रेजेंस हर एक कोने पे है दुनिया के हर एक कंट्री में है तो ये था हमारा लेक्चर नंबर तीन का एक 15 का पार्ट जो के आपने देखा ऑलरेडी आप शुरू हो चुका है चार जुलाई से तो यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस कोर्स में जरूर शामिल हुए बहुत मजेदार कोर्स है जहां पे बहुत डाइवर्सिफाइड कोटेशन को मैं बहुत ईजी और सरल बना के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और तो और इस पर्टिकुलर कोर्स में आपके साथ एनालिसिस भी करने वाला हूं 2019 से लेकर 2023 तक का इसमें आपकी होलिस्टिक टेस्ट सीरीज है टेस्ट में जितने भी एसेज आपको दिए जाएंगे उसके मॉडल एसेज आपको वीडियो फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे खूब सारा कंटेंट फिलोसफिकल एसेज का मिलेगा साथ के साथ इंपॉर्टेंट कोर्ट्स और इंपॉर्टेंट एनेकडोट्स आपको देखने को मिलेंगे मास्टर क्लास सेशन रहेगा शेखर सर और प्रेरणा मैम के साथ और आपको शुरुआत में चार लेक्चर्स जो कि बिगनर लेक्चर्स हैं फॉर एसे राइटिंग वो भी आपको देखने को मिलेंगे ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना और जल्दी इनरोल कर लेना इससे पहले देर हो जाए सी यू वेरी सुड